सेल उडारिया की बात करें तो शो में आप सभी देखने वाले हैं कि तेजो के सामने सारी असलियत जब आ जाएगी, उसे जब ये मालूम चल जाएगा कि किस तरीके से अपने जान पर खेलकर फतेह ने उसकी जान बचाई थी और आज एक बार फिर जब गुंडों ने उसे रोका और फिर से किडनैप करने की कोशिश की तो फतेह ही था जो उसे बचाया। वेल, अब आपको बताते चले कि कॉलेज में दोनों साथ जाएंगे, जहाँ कॉलेज में कोई फंक्शन हो रहा होता है जहाँ वहाँ पर दोनों एक साथ तैयारी करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ एक बड़ा हादसा जो है वो फतेह और तेजो की जिंदगी में खुशियां लेकर आएगा। हालांकि इस हादसे में जो फतेह है नीचे मलबे में दब जाएगा और तेजो उसे बचाएगी और गले लगाकर यही कहेगी कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। दोनों गले मिल जाएंगे लेकिन बाबा जी वहां पर जरूर आएंगे और कहेंगे इस डोर को जरा संभाल कर क्योंकि इसे तोड़ने के लिए बहुत लोग हैं। वेल, अब आपको बताते चले कि अब इसके बाद क्या होने वाला है। जी हाँ, इसके बाद यही दिखाया जाएगा कि फतेह और तेजो साथ रहने के लिए रेडी हो जाएंगे, जहां पर इनकी शादी जिसे तेजो ने मान्य नहीं किया था उस शादी के लिए तेजो मान जाएगी और मंगलसूत्र फतेह से वापस लेगी, लेकिन एक विधि विधान से इनकी शादी फिर से करवाई जाएगी। आपको बताते चले कि यहाँ पर जैस्मीन तो घर लौट आएगी, लेकिन यहाँ पर जैस्मीन जो है वो तेजो को ब्लैकमेल, इमोशनली ब्लैकमेल करती हुई नजर आएगी। अमरीक नहीं रहा इसके पीछे, सिर्फ और सिर्फ तेजो है, ये उसे एहसास दिलाने की कोशिश करेगी। जैस्मीन इनडायरेक्टली तेजो को यही कहेगी कि उसकी वजह से आज उसकी जिंदगी जो है वो बदल गई, वो विधवा हो गई और अब अमरीक के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये बच्चा भी जब इस दुनिया में आएगा तो अनाथी तो कहलाएगा क्योंकि इसका बाप नहीं है। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि तेजो के सामने जैस्मीन ऐसा सिचुएशन खड़ी करने वाली है कि तेजो को सोचना पड़ेगा कि आखिर क्या करेगी वो, क्या सचमुच फतेह से शादी कर ले या फिर अमरीक के लिए, अमरीक के बच्चे के लिए और जैस्मीन के लिए वो एक बड़ा त्याग कर दे। वेल, जो भी होगा उसकी अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही।